हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेलोसिया के पौधे की जानकारी। सेलोसिया इसको कॉक्स कॉम भी कहते हैं और मुर्गा कलंगी भी कहते हैं। ये देखिए, ये पौधा हम उखाड़ कर लाए हैं। ये खेत के पास हमारे खड़ा था और इसको हम उखाड़ लाए हैं, तो आज इसको हम लगाने वाले हैं। दरअसल इसको चाहे आप छोटा पौधा लगाइए या बड़ा लगाइए, इसको शौक नहीं लगता है। आप कभी भी इस पौधे को कहीं से उखाड़ लाइए और इसको लगा दीजिए, कभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये इतना हार्डी प्लांट होता है। तो इसके लिए देखिए, जो मिक्सचर मिट्टी का हमने बनाया है उसमें ज़्यादातर हमने नॉर्मल मिट्टी जो है वही रखी है और लगभग 25 से 30% यानी तिहाई भाग हमने वर्मी कंपोस्ट का रखा है। और ये देखिए, ये है गमला, ये 10 इंच का गमला है। हम इसमें इसको लगाने जा रहे हैं और इसी में इसकी फ्लावरिंग जो है अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने पिछले साल लगाया था और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। तो इसका हम पूरा अपडेट के साथ आज आपको दिखाने वाले हैं। पूरा अपडेट दिखाएंगे अभी लगाने से लेकर और फ्लावरिंग तक का, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है। तो ये देखिए, इस तरीके से लगा लेना है। आप कहीं से भी छोटा पौधा ले आएँ वो लगा सकते हैं, और या फिर बड़ा पौधा मिले लगा सकते हैं। लेकिन जो इसका फूल होता है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, और वो बीज जो है एक बार अगर आप पौधा अपने घर में गार्डन में लगा लेते हैं तो आपको कभी भी दोबारा पौधा कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पौधा अपने आप जो है उग जाता है। जैसे ही मानसून का सीज़न आता है, जुलाई अगस्त का समय होता है, उस समय यदि गार्डन में आपके कभी भी पौधा आपने लगाया था तो ये आसानी से उसके बीज वहाँ पर गिर जाते हैं और यह ग्रो कर जाता है। तो इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसको चलिए हम पानी दे देते हैं। इस तरीके से भर के इसको पानी दे देंगे और इसमें बस वाटरिंग ही मेन होती है। आपको पानी इसमें अच्छे से देते रहना है। चलिए अपडेट दिखाते हैं आपको आगे। दोस्तों ये देखिए, आज इसको लगाए हुए लगभग 5 दिन बीत चुका है। 5 दिन बाद देखिए कितना अच्छा ऊपर का जो बंच है वो निकलने लगा है और फ्लावरिंग वाली जो कलियां हैं वो दिखना स्टार्ट हो गई कहीं कहीं पर। तो इस तरीके से हमने एक पौधा और लगाया है। 2 पौधे हमारे पास हो गए हैं। वो हमारे पास एक गमले में ही उगाया था, उसको हमने लगा लिया है। अभी वो थोड़ा सा छोटा है इससे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, लगाए हुए पौधे को हमको 20 दिन हो चुका है और 20 दिन बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसकी जो ऊपर का स्टेम है वो फ्लावरिंग वहाँ जहाँ से होती है वो बहुत ही मोटाई पकड़ रहा है और बहुत ही अच्छा दिखने में लगने लगा है। तो इसमें अब हम एक काम करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो हमने लगाया था उसमें कंपोस्ट तो दी थी, वर्मी कंपोस्ट, लेकिन अभी फ्लावरिंग का समय आ चुका है तो हम थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे। और ऐड करने का जो तरीका है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, कुछ भी आप किसी खुरपी की सहायता से थोड़ा थोड़ा इसकी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद आपको थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इस तरीके से देखिए, इसी मिट्टी में ऊपर से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी देंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसको बहुत जल्दी बूस्ट करेंगे। जो फ्लावर आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, उनका कलर अच्छा होगा। तो बस थोड़ी सी 100 ग्राम से 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट एक पौधे के लिए काफ़ी है। गोबर की खाद हो तो थोड़ा सा आप ज़्यादा मिलाएँ, और इसको कोई और केयर करने की जरूरत नहीं है। चलिए दिखाते हैं अपडेट। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत पौधे जो हैं वो लगने लगे हैं और उन्हीं गमलों में लगे हुए हैं। तो अभी तक हमने इसको केवल लगाने के बाद एक बार वर्मी कंपोस्ट दी है, इसके अलावा और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें कलियाँ बनी हुई हैं, और जो ये वाइट वाइट नीचे दिखते हैं, ये देखिए इसके फ्लावर के नीचे वहाँ पर सीड बनना स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार ये पक जाने के बाद सीड कभी इसके ख़त्म नहीं होते हैं, लगातार इसके सीड गिरते रहते हैं। और इनको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, अगले साल फिर से बुआई कर दीजिए, बहुत सारे पौधे फिर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये 8 इंच के गमले में लगा है और जो बड़ा वाला पौधा है वो 10 इंच के गमले में लगा है। दोनों में फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी ये देखिए ऊपर का कितना बड़ा ये फ्लावर यहाँ पर बन गया है, बहुत ही मोटाई में है ये, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत लंबे समय तक ये फ्लावर रहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।